जला दूं, आई बला को डाल दूं। जी हाँ, आज कुछ यही हो रहा है जोधा बेगम के साथ। उन पर से उतारा जा रहा है बुरी बलाओं का साया, और ये सारा किया धरा है रुकैया बेगम का। गर्मी और धुएं से जोधा का हाल बेहाल है, लेकिन रुकैया है कि मानने को तैयार नहीं। ये प्लीज आप समझते हैं, हम नहीं। ये सब कुछ देखकर पूछना तो बनता है कि अचानक रुकैया बेगम को अपनी सौतन जोधा की इतनी फिक्र कैसे हो गई, इतना प्यार कैसे आ गया। प्यार नहीं है, ये सारे पैतरे आजमा चुकी हैं जलाल को अपनाने के, और ये इनका एक और पैतरा है। कुछ आज बहुत सारे तंत्र मंत्र के सहारा लेकर मुझे देखिए, इन्होंने तंत्र मंत्र से जकड़ दिया है कि अब तो सांस लेने नहीं दिया मैंने इन्हें। रुकैया की ये सारी कवायद है जोधा पर से महामंगा की बद्दुआओं का असर उतारने के लिए। जितना असर दुआ में होता है उतना ही बद्दुआ में भी होता है, क्योंकि वो दोनों दिल से निकलती है। महामंगा की बद्दुआ की शिकस्त बख्शी वालों की बेटी हो चुकी है, और हम नहीं चाहते कि हमारी औलाद को कोई भी खतरा पहुंचे। यूँ तो रुकैया बेगम ये सब कुछ जोधा की होने वाली जुड़वा औलादों के लिए कर रही है, जिनमें से एक जोधा ने उन्हें देने का वादा किया है, लेकिन उनके पास रिकॉर्ड को देखते हुए उन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। तो बेगम साहिबा, आप ही कहिए, क्या है आपके इरादे? वैसे मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरा इरादा कभी नेक हो जाता है तो कभी बुरा हो जाता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेरा इरादा नेक ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये और इनकी औलादे जिनमें से एक मेरी है वो सही सलामत रहे। भाई आपके इरादे तो जल्द ही सबके सामने आ जाएंगे रुकैया बेगम, लेकिन जोधा फिलहाल तो आप ये बताइए कि इस सीन को शूट करने में आपको कितनी दिक्कत हुई? जो जलन रुकैया बेगम के अंदर रहती है वो बाहर आ जा गई थी धुएं के रूप में, लोबान के रूप में, तो ऑब्वियसली परेशानी बहुत हो रही थी, पूरी तरह से धुएं के बीच में मेरे नाक के अंदर और मुंह पर हर तरह से, उसके साथ साथ फूंक भी मार रहे लोग और पता नहीं क्या क्या रहा होगा, तो मुश्किल था पर मजे आए। जी हाँ, सीन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मजे करना तो कोई आप लोगों से सीखे। और वैसे भी पर्दे के पीछे इन दोनों सौतनों का है अच्छा खासा सहेली आना। हाँ, हम लोग का हार्डली कभी झगड़ा होता है, क्योंकि हम लोग यूनिटी में बिलीव करते हैं। अगर एक को कुछ चाहिए होता है तो हम सब यूनाइट होके साथ में बोलते हैं कि हम सबको ये चाहिए, तो आ ही जाती है वो चीज। और हाँ, मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है और उसका नाम है मुगल चुगल। नहीं, बहुत जरूरी होता है, जिस तरह की वर्किंग एनवायरमेंट का प्रेशर रहता है उसमें यदि आपके बीच में अच्छी ट्विनिंग है तो काम बहुत आसानी से निकल जाता है, और खुशी खुशी खेलते खेलते हंसते से आज इस सीन में हम लोग ऑफ स्क्रीन कैमरा करने के बाद बहुत एंजॉय कर रहे थे। बढ़िया है भाई, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जोधा और रुकैया बेगम की ये ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को ऑन स्क्रीन भी जल्द दिखाई दे।